क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कहाँ के रहने वाले हो? बरेली। बरेली, किस जगह बरेली में? मुसापुर घाट गाँव। हैं? मुसापुर घाट गाँव। कहाँ पे, कौन सी तहसील में लगता है? तहसील बहरी, जिला बरेली, पोस्ट मोडिया नंबर, गांव मुसापुर घाट गाँव। अच्छा, आज आप यहाँ पर मंदिर पे आए हो और ये साथ में कौन है आपकी? मेरी वाइफ। आपकी पत्नी है, क्या नाम है इनका? शारदा। शारदा, तो आज आपने यहाँ पर अपने इच्छा अनुसार दोनों लोगों ने पर वधु के रूप में यहाँ पर एक दूसरे को माला पहना करके और इनके मांग में सिंदूर भरने का काम किया है। ये आपने इच्छा अनुसार किया है? हाँ जी, इच्छा अनुसार किया है। दोनों लोग बालिक हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? शाहिदा। शाहिदा, कहाँ के रहने वाले हो आप? बुलंदशहर। बुलंदशहर, आप आज यहाँ आए हो किस मकसद से आए हो? शादी करने के लिए। शादी करोगे ना? जी। किसके साथ में? प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। बरेली के। किसी का जोर दबाव तो नहीं है इस शादी में? नहीं। आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? जी, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। अच्छा, आपने सनातन धर्म में वापसी की है? हाँ। अच्छा, अब आपका क्या नाम है? शारदा। शारदा जी, अच्छा जी, कब से आप इनके लिए जानते हैं? दो साल से। दो साल से। दो साल पहले आपके लिए मिले थे ये? जी। अच्छा अच्छा, इससे पहले का कैसा क्या है आपका? आपने बताया कि आपको आपके पति ने तलाक दे दिया था। जी हाँ। है ना? जी। उसके बाद आपको ये मिले थे? जी। और भी कुछ कहानी हुई थी तलाक के बाद? हलाला वगैरह कुछ बोला था आपके पति ने, उससे आप परेशान हुए थे? जी हाँ, मैं साथ परेशान रहती थी, मैं ड्यूटी करती थी और वो घर पर रहते थे, कमाते नहीं थे। वो कमाते नहीं थे जी। आपको परेशान करते थे? परेशान होने के बाद मैं उनसे डिवोर्स लिया था। अच्छा, तलाक हो गया जी। अब आपको उनसे कोई मतलब नहीं? नहीं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, किसी प्रकार का कोई खतरा वगैरह तो नहीं है घर वालों से या उनकी तरफ से? मुझे कोई खतरा नहीं है अपने घर वालों से। अब कोई खतरा नहीं है, अब आप इनके साथ में रहना चाहते हैं? कि एक महिला ने, मुस्लिम महिला ने धर्म परिवर्तन करके हिंदू रीति रिवाजों से विवाह कर लिया है और हिंदू पति अपनाया है। उसका कहना है कि उसके पति ने तीन तलाक दे दिया था, तीन तलाक देने के बाद जो है अब उससे हलाला कराया जा रहा था, जिसका वो विरोध कर रही थी, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया है। तो इस पर आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, इस तरह के वाकयात हमारे देश में अक्सर होते रहते हैं। कोई मुसलमान हिंदू होता है, कोई हिंदू मुसलमान होता है, और ये जो घटना आपने बताई है, ये नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमान लड़की किसी वजह से वो हिंदू हो गई और उसने एक हिंदू के साथ शादी कर ली। खैर, मज़हब इख्तियार करना या शादी करना यह आदमी का अपना एक नज़रिया है, उसका खुद का अधिकार है। मगर तलाक की वजह से मज़हब छोड़ देना, ये जिसने भी तलाक दी, जो उसका शौहर था, ये उसका गलत तरीका था और उसको पड़तालना नहीं करना चाहिए थी। कुरान शरीफ में साफ साफ कहा गया मर्दों के लिए कि अपनी औरतों के साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ, तो शौहरों को चाहिए कि वो अपनी बीवियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और हुस्न सुलूक के साथ पेश आएं। अगर कोई भी हुस्न सुलूक के साथ अपनी खवातीन के साथ, अपनी बीवियों के साथ पेश आता है, तो कहीं भी दरार नहीं पड़ सकती और कहीं ख़ानदान नहीं टूट सकता। और ये सब शरीयत पर अमल न करने की वजह से ये ख़ानदान टूटा और वो औरत हिंदू से मुसलमान हुई। मुसलमान से हिंदू।